नमस्कार, इंडियन नॉलेजबल में आपका स्वागत है। स्कूल ने 3 बार दाखिला देने से कर दिया था मना, और आज पीएम के बगल में बैठे हैं ये शख्स। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नोएडा के डीएम सुहास एलवाई की। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने पीएम से अपने बचपन की एक बड़ी घटना साझा की है। सुहास एलवाई ने बताया कि कैसे मैंने बचपन में स्कूल जाने तक के लिए संघर्ष करा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स के भारतीय दल की मेजबानी की। इस दौरान जहां पीएम मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले पैरा सटलर और नोएडा के डीएम सुहास एलवाई को देश का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी, वहीं सुहास एलवाई ने भी पीएम से अपने बचपन की एक बड़ी घटना साझा की है। सुहास एलवाई ने बताया कि कैसे बचपन में उन्हें स्कूल जाने तक के लिए संघर्ष करना पड़ा था। सुहास एलवाई ने पीएम के साथ बातचीत में कहा, मेरी शिक्षा गाँव से शुरू हुई थी और 3 बार मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं दिया गया। जिंदगी के सफर में आज मुझे पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जिताकर आपके बगल में बैठने का सौभाग्य दिलाया है। ये सौभाग्य भी मेरे लिए पैरालंपिक मेडल से कम नहीं है। मैं भगवान को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिताजी कहा करते थे कि स्कूल में सीट नहीं मिली तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तुम जिंदगी में कुछ करके दिखाना। आज मैं जब आपके बगल में बैठा हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी को कहीं ना कहीं खुशी मिल रही होगी, इसलिए मैं आज के दिन को बहुत भाग्यशाली दिन मानता हूँ। इससे पहले सुहास ने कहा था कि यह गलतफहमी है कि खेल और पढ़ाई साथ में नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, बचपन से ही मैं 2 घंटे खेलता था। खेल हमेशा से पढ़ाई के साथ मेरे जीवन का हिस्सा रहा है। समाज में गलतफहमी ही कि खेल और पढ़ाई साथ में नहीं हो सकती। कर्नाटक के हसन में जन्मे सुहास ने कहा, मैं माता पिता और समाज को बताना चाहूँगा कि यह तर्क भूल जाइए, आपका बच्चा दोनों में अच्छा कर सकता है। उन्होंने कहा, 2016 में मैंने अपना पहला पेशेवर टूर्नामेंट खेला था जो बीजिंग में एशियाई चैंपियनशिप से था, जिसमें मुझे स्वर्ण पदक जीता था। मुझे लगता है कि वह पेशेवर बैडमिंटन के हिसाब से मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। आप सभी को आईएएस ऑफिसर सुहास एलवाई की ये बात कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।